बहुत तरीके से किए होंगे और देखे भी होंगे, लेकिन बीजेपी के लोगों का जनता कैसे स्वागत करती है क्या आप ये जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बताएंगे कि आखिर बीजेपी के लोगों का, कार्यकर्ताओं का जनता कैसे स्वागत करती है और कैसे इनकी नीतियों से परेशान हो चुकी है, इसलिए अब सड़कों पर उतर कर लाठी डंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है। परेशान इतना ज्यादा है कि आम जनता इनका चुनाव प्रचार तक नहीं होने दे रही है, क्योंकि लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं तो इनकी रैली और सभाओं को कैसे बर्दाश्त करेंगे। ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई है तेलंगाना से, जहां पर आज मुनुगोडे में उपचुनाव होने वाले जो कैंपेन था उसका आखिरी दिन था, यानी प्रचार प्रसार का आखिरी दिन था, लेकिन बीजेपी के लिए यह अच्छा साबित नहीं हुआ। एक तो पिटाई हो गई और ऊपर से उन पर आरोप भी लगा है कि उन्होंने टीआरएस के कार्यकर्ताओं को पीटा भी है और उसके वीडियो हकीकत के तौर पर आप लोगों के सामने आ गए हैं। लेकिन जैसे बीजेपी की गाड़ियों को तोड़ा गया, लोगों को भगाया गया वहां से, वो वाकई बीजेपी के लिए शर्मनाक तस्वीर है कि आखिर तेलंगाना में ये हो क्या रहा है। तेलंगाना में जनता क्या सबसे ज्यादा जागरूक हो गई है या फिर बीजेपी सबसे ज्यादा कमजोर हो गई है? दोनों सवाल हैं। लेकिन मुनुगोडे से जो तस्वीर सामने आई है, जिस पर बीजेपी के लोगों को आम जनता ने खदेड़ दिया और उन पर लाठी डंडों से उनको भगा दिया, उनको रास्ता दिखा दिया बाहर का कि आप यहां पर मत आइए, यहां आपकी कोई जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ टीआरएस पार्टी के लोगों ने भी बीजेपी पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन लोगों ने टीआरएस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता को पीटा है। जब उनकी पार्टी की रैली में शामिल होने के लिए लोग आ रहे थे तो लोगों को पीट दिया गया ताकि वो लोग रैली में ना जा सके, लेकिन लोगों का जो उत्साह था, लोगों का भरोसा था, लोगों का जो हुजूम था, वो टीआरएस की जनसभा में साफ तौर पर देखने को मिला है। अब सोशल मीडिया पर वीडियो जो वायरल हो रहे हैं, जो वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, एक एक करके आपके सामने रखते हैं और बताते हैं कि मुनुगोडे में जो बदलाव की बयार चली है वो अब आंधी बन चुकी है और इस आंधी में बीजेपी कितनी मजबूती के साथ खड़ी है वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। अब एक एक ट्वीट आपको बताते हैं, उसके बाद बताते हैं कि मुनुगोडे में आखिर चुनाव होने कब वाले हैं और इसकी मतगणना कब होगी। सबसे पहले जो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, इस ट्वीट को आशीष की तरफ से शेयर किया गया है और इन्होंने शेयर करते हुए क्या लिखा है वो हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। इसमें लिखा गया है कि मुनुगोडे के अंतर्गत आने वाले हैदराबाद के पास चौतुप्पल में टीआरएस और बीजेपी कैडर के बीच झड़प से तनाव फैल गया। भगवा पार्टी के उम्मीदवार कुमाती रेड्डी राजगोपाल रेड्डी एक रोड शो कर रहे थे जब सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें कथित रूप से बाधित कर दिया, जिसके कारण झड़प हो गई और मुनुगोडे चुनाव को इन्होंने टैग किया है। और इस वीडियो को अगर आप देखने जाएंगे, इस वीडियो में ज्यादा वॉयलेंस है, हालांकि वीडियो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन जितना वीडियो में नजर आ रहा है उससे ये साफ समझ सकते हैं कि इस वीडियो में दोनों तरफ से जो मारपीट हुई है वो हुई है। लेकिन अभी थोड़ा सा रुकिए, उसके बाद जो ट्वीट आपको दिखाने जा रहे हैं उस ट्वीट को देखकर आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। बिल्कुल, आशीष की तरफ से भी इस पूरे वीडियो को शेयर किया गया है और इसके साथ साथ उन्होंने एक जो है स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है और उसमें क्या लिखा गया है दोनों चीजें आपको एक साथ बताते हैं। लिखा गया है, मुनुगोडे में टीआरएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार आज शाम थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी बीच भगवा पक्ष ने सत्तारूढ़ दल द्वारा अपने नेताओं के फोन टैपिंग का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से संपर्क किया है। यानी अभी जो आरोप लगाया जाता था बीजेपी पर कि वो लोग फोन टैपिंग करवाते हैं, अब ये आरोप उन्होंने टीआरएस पर लगा दिया और इसी का विरोध करते हुए उन्होंने धक्का मुक्की कर दी, जिसके बाद ये पूरा मामला और ज्यादा बढ़ गया। अगला जो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, इस ट्वीट को आप देखिए और इस ट्वीट में क्या लिखा गया है वो आपको बताते हैं, क्योंकि ये तेलुगु में लिखा हुआ है। सरिता अवुला की तरफ से इस पूरे वीडियो को शेयर किया है जिसमें मारपीट है और पुलिस प्रशासन भी यहां पर नजर आ रहा है। आपस में लोग भिड़ रहे हैं, लाठी डंडे चल रहे हैं, लेकिन
पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी जो कोशिश है इन लोगों को बीच बचाव करने की वो की जा रही है। अब शेयर करते हुए क्या लिखा गया है वो आपकी स्क्रीन पर लिखा है, पानीवाला में बीजेपी गुंडागर्दी, बीजेपी मंत्री केटीआरएस रोड शो में गए, विधायक इटेला की मौजूदगी में टीआरएस के कार्यकर्ताओं पर बीजेपी ने हमला कर दिया। एमएलसी पल्ला राजेश्वरी रेड्डी, विधायक पेंडी सुदर्शन रेड्डी सहित जिला परिषद अध्यक्ष जगदीश घायल हो गए हैं। ये इन्होंने इस पूरे वीडियो में बताने की कोशिश की है कि बीजेपी के गुंडों की तरफ से टीआरएस के कार्यकर्ताओं पर विधायकों पर हमले किए गए हैं। अगला ट्वीट आपकी स्क्रीन पर जिसमें बीजेपी के जो है गाड़ी जो खड़ी हुई है उसको किस तरह से पूरी तरह तहस नहस करते हुए नजर आ रहे हैं लोग, और पोस्टर जो है वो फाड़ रहे हैं, उस पर पत्थर मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजेपी का यहां पर इनको रहना पसंद नहीं है। बीजेपी तेलंगाना की तरफ से ये ट्वीट किया गया है और ट्वीट करते हुए क्या लिखा गया है वो आपको बता देते हैं। किस तरह से आरोप लगाया गया है टीआरएस पर बीजेपी की तरफ से कि ये है टीआरएस की गुंडागर्दी, ये महसूस करते हुए कि वो पहले दौर में नहीं जीत सके गुलाबी गुंडों ने भाजपा के प्रचार वाहनों पर हमला करने का फैसला किया। अभी कुछ दिन पहले ही वीडियो वायरल हुआ था, हमने खबर भी आपको दिखाई थी जिसमें बीजेपी के जो नेता थे वो कैसे अकेले खड़े होकर भाषण दे रहे थे। अब ऐसे में अगर जो है लोग सुनने के लिए आ नहीं रहे हैं तो बीजेपी को शायद वाहनों की जरूरत पड़नी भी नहीं चाहिए, जो बताया भी जा रहा है कि कहा जा रहा है कि वाहनों पर और वाहनों के पास में एक भी कोई नजर शख्स नहीं आ रहा है, लेकिन बीजेपी के जो झंडे हैं जो उस पर बैनर लगे हुए हैं उनको देखकर लोगों को गुस्सा जरूर आ रहा है, इसलिए उन्होंने उनको हटाने का काम शुरू कर दिया। अगला ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, इसको जगन रेड्डी की तरफ से शेयर किया गया है और इस वीडियो में इस चीज को दिखाने की कोशिश की गई है कि देखिए जो टीआरएस के कार्यकर्ता थे वो आराम से खड़े हुए थे, शायद वो भाषण सुन रहे थे ऐसा कुछ था, लेकिन अचानक से उनके ऊपर आकर के एक कार्यकर्ता के ऊपर लाठी पड़ती है और यहीं से ये पूरा बवाल शुरू हो जाता है। और एक और ट्वीट किया गया है, पहले आपको बता देते हैं जगन रेड्डी ने इस ट्वीट को शेयर करते हुए क्या लिखा है। जो ट्वीट किया गया है उसमें लिखा गया है, अतीत में भाजपा ने यह महसूस करके राजनीति छोड़ दी कि हार अपरिहार्य है, ये इन्होंने लिखा हुआ है। और अगला जो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, उसको न्यूज 24 की तरफ से शेयर किया गया है और इसमें जानकारी दी गई है कि तेलंगाना में मुनुगोडे उपचुनाव के आखिरी दिन टीआरएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प। अब आपको बता देते हैं कि मुनुगोडे में ये जो रस्साकशी का खेल चल रहा है और इसमें जो ये घमासान मचा हुआ है आखिर ये खत्म कब होगा, तो इसका जवाब ये है कि तेलंगाना की मुनुगोडे विधानसभा सीट पर इसी साल यानी 3 नवंबर को, अभी 2 दिन बाद ही उपचुनाव होना है, इसकी मतगणना 6 नवंबर को होगी। वहीं इस उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तरफ से घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में वादे भी किए हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से 1,000 करोड़ रुपए के फंड से 500 दिनों में विधानसभा को विकसित किया जाएगा। हालांकि इस उपचुनाव को लेकर सत्तारूढ़ यानी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति टीआरएस, कांग्रेस या फिर किसी अन्य दलों से कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया था, लेकिन भाजपा की तरफ से 8 पेज का जो घोषणा पत्र है वो जारी कर दिया गया, लेकिन फिर भी बीजेपी का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है, किसी भी तरीके से हो, किसी भी मुद्दे पर हो, लेकिन बीजेपी का जो विरोध है वो जरूर हो रहा है। और जो आज की तस्वीर आई है कैंपेन के आखिरी दिन वाली, वो ये बता रही है कि बीजेपी को लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं मुनुगोडे विधानसभा में। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।